श्री शिवाय नमस्ताभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर गुरुवार के दिन के चावल और हल्दी के बहुत ही अचूक उपायों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में हल्दी का संबंध बृहस्पति देव से माना गया है। पूज्य गुरुजी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नहाने के पानी में हल्दी मिलाने से सौभाग्य और समृद्धि आती है। माना जाता है कि हल्दी में शुद्धिकरण गुण होते हैं और यह शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। कुंडली में गुरु दोष को कम करने के लिए भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ चढ़ाना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी हल्दी का महत्व माना जाता है। हल्दी धार्मिक दृष्टि एवं आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत ही लाभकारी मानी गई है। ये तमाम बाधाओं से आपको बचाते हुए आपके सौभाग्य को भी बढ़ाने वाली होती है। आइए जानते हैं पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्राजी द्वारा बताए गए गुरुवार को हल्दी और चावल के जुड़े हुए उपायों के बारे में, जिनसे घर में पैसा आता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव या श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम जरूर लिखते हैं, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों यदि आपके करियर या जॉब में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो गुरुवार को हल्दी का उपाय करें। इसके लिए आप प्रतिदिन गुरुवार से लेकर पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर स्नान करें। इससे करियर में ग्रोथ मिलेगी। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा कर उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं और 5 दाने साबुत चावल के अर्पित करें। इसके बाद स्वयं भी ललाट पर हल्दी का तिलक लगाएं। इस उपाय को करने से व्यक्ति के सभी काम अपने आप बनते चले जाते हैं। पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो गुरुवार के दिन लाल रंग के बिना सिले हुए कपड़े में हल्दी की 5 गांठें बांधकर तिजोरी में रख देनी चाहिए। इस उपाय को करने से आर्थिक संकट मिटता है और घर में पैसा आने लगता है। यदि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है तो गुरुवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। इससे गुरु ग्रह का अशुभ असर खत्म होता है और स्वास्थ्य भी सही रहता है। बिजनेस में तरक्की हेतु बुधवार की रात को काली हल्दी और केसर को पानी में मिलाकर रख दें। अगले दिन इस पानी से तिजोरी पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। फिर इस चिन्ह की प्रतिदिन पूजा करने से बिजनेस में ग्रोथ होने लगती है। यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में आपको गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़ा ये उपाय करने से लाभ हो सकता है। इसके लिए गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। इस उपाय से आपके सभी काम आसान हो जाएंगे और कार्य संबंधित बाधाएं भी दूर होंगी। साथ ही दोस्तों गुरुवार के दिन एक लाल कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई और कुछ दाने चावल के उसमें रखकर उसकी पोटली बनाकर आप सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें और फिर उसके बाद उस पोटली को उठाकर अपने घर की तिजोरी या गले में रख दें। दोस्तों इस उपाय से भी माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और घर में धन की वृद्धि होती है। अगर आपको बुरे सपने परेशान करते हैं तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिराने रखकर सो जाएं। ऐसे करने से आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। यदि आप व्यापारी हैं और आपको लगातार घाटा हो रहा है तो गुरुवार के दिन काली हल्दी और केसर में पानी मिलाकर अच्छे से घोल कर तैयार करें और फिर तिजोरी पर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर 5 दाने साबुत चावल के चढ़ा दें और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। ऐसा करने से भी सभी समस्याएं दूर होंगी और बिजनेस में उन्नति मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर रोज़ पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए नए नए उपाय नई नई जानकारियाँ मिलती रहें।